अच्छा यहाँ हम वेरिएबल पे आएंगे, ठीक है। वेरिएबल हम सिलेक्ट करेंगे, वो सिलेक्टेड है मेरे सारे। उसके बाद हम प्रीव्यू मोड में जाएंगे, प्रीव्यू मोड में वेबसाइट डोमेन इंटर करेंगे और ये फेज इंटर हो जाएगा वेबसाइट का। हर वेबसाइट पे लीड फॉर्म होता है, मतलब लीड फॉर्म हमने, अब लीड फॉर्म पे कोई आके फिल करता है इंफॉर्मेशन और उसको सबमिट कर देता है, ठीक है। सबमिट करने के बाद वो इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाती होगी, मतलब जो जो भी सर्विसेज दे रहा है उसके पास। तो हम चाहते हैं कि हमने ये ट्रैक करना है कि कोई आके लीड फॉर्म फिल करे, ठीक है, सबमिट करे, उस हमारे पास एक कन्वर्जन शो हो जाए। तो हम यहाँ देखते हैं, हम लीड फॉर्म फिल करते हैं यहाँ पे जाके, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं। अच्छा, और इसको हम सबमिट कर देते हैं, यहाँ पे ईमेल भी आएगी। अच्छा, जैसे जैसे ही हम सबमिट करते हैं ना, तो हमारे सामने ये पेज आ जाता है, थैंक यू पेज इसको कहते हैं, थैंक यू पेज, ठीक है। अच्छा, हमने लीड फॉर्म फिल कर दिया। हम इधर देखते हैं किस वेरिएबल पे ये ट्रिगर हुआ है, हम किसी में जाके देख लेते हैं। अच्छा, मुझे बताते जाना पेज, एक तो ये हो रहा है ट्रिगर यहाँ पे, थैंक यू पेज, ठीक है। और एक ये हो रहा है, इसमें शॉर्ट आ रहा है थैंक यू, पर ये भी ट्रिगर हो रहा है, इससे नीचे वाले भी इससे नीचे वाला भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम इन तीनों में से किसी से भी जा सकते हैं, पर ये मैंने किया नहीं है कभी यूआरएल, ये जो ये वेरिएबल आता ही नहीं है वहाँ पे, शो नहीं होता। अब ये इस मुझे पता नहीं क्यों आ रहा है इधर, हम देख लेते हैं। ये याद रखना, डैश यूआरएल ये शो होता है हमारा उधर वेरिएबल में जब हम ट्रिगर बनाते हैं। वैसे हम इसके साथ जा नहीं रहे, ये इस पे आ रहा है तो ये हमें उधर शो होना चाहिए, पर ये वेरिएबल वहाँ पे शो नहीं होता ये वाला। हम ये नहीं इतने शो होता, होता है नहीं होता अब ना, पेज यू आर ले नहीं होता। हम इसमें से किसी पे जाते हैं, इन दोनों में से ये भी है ये भी हमारे पास है, आप बताओ जिसमें पे भी जाए। पेज यू पेज आर पाथ, यूआरएल तो हमने पहले भी किए हैं, पेज पाथ सही है। यूआरएल वो और थे, वो क्लिक यूआरएल थे, समझ आई आपको, फॉर्म यूआरएल थे थे वो। तो लिंक से हाँ, फॉर्म यूआरएल थे और क्लिक यूआरएल था पहले वाला है। अब ये पेज यूआरएल आ रहा है, इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि ये पेज चेंज कर देता है, नेक्स्ट पेज पे आ जाता है। हम चाहते हैं कि जो इस पेज पे है ना, थैंक यू पेज पे, तो हमारे पास एक कन्वर्जन ट्रैक हो, क्योंकि लीड फॉर्म जब सबमिट ही नहीं होगा ना, तो इस पेज पे नहीं आएगा, ठीक है। जब लीड फॉर्म सबमिट हो जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन ऐड होंगी, तब इस पेज पे आएगा, समझ आ रही है ना आपको बात। हम चाहते हैं कि लीड फॉर्म फिल हो, सबमिट हो, उसके बाद इस पेज पे जैसे आए तब हमारे पास एक कन्वर्जन शो हो। अगर इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन कम डालेगा तो लीड फॉर्म फिल ही नहीं होगा, थैंक यू पेज आएगा ही नहीं, ठीक है। हम ये लिखते हैं, मैं ये इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करता तो मैं सेंड करता हूँ, ये थैंक यू पेज पे नहीं जाता, वो कहता है ये इन्फॉर्मेशन फिल करो। पर हम इस सेंड बटन को भी ट्रैक कर सकते हैं, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हमारे पास, क्योंकि सेंड बटन पे तो इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, तब भी वो सेंड पे क्लिक कर देगा तो हमारे पास कन्वर्जन शो हो जाएगी। तो इस वजह से हम नेक्स्ट पेज को ट्रैक करेंगे, मतलब ये फिल करने के बाद जब जैसे नेक्स्ट पेज पे है तो हमारे पास ये कन्वर्जन शो, इसलिए हम थैंक यू पेज को ट्रैक करते हैं। अच्छा, यहाँ से हम कोई भी उठा लेते हैं, यूआरएल या पेज यूआरएल या पेज पाथ, जो भी आपको पेज यही वाला यूआरएल उठाते ठीक हैं। है। अच्छा, ये पेज यूआरएल को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ये हो गया, अब हम आते हैं ट्रिगर्स में। अच्छा, यहाँ पे न्यू, यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे नेम बताओ कोई। थैंक यू पेज। भाई अभी हम लीड फॉर्म को नहीं और कर रहे ट्रैक, उसके लिए नहीं ट्रैकिंग कर रहे।
अच्छा यहाँ पे नेम लिखना है ना, नेम तो कोई भी लिख दो आप। वैसे लीड फॉर्म ट्रैक उस वक्त होगा जब नेक्स्ट पेज पे जाएगा। नेम नेम कोई भी लिख सकते हो आप। जब तक वो थैंक यू पेज पे, हाँ थैंक यू पेज पे नहीं आएगा तो हमारे पास कन्वर्जन कैसे शो होगी। थैंक यू पेज पे तब तक नहीं आएगा जब तक ये सारी इंफॉर्मेशन फिल नहीं कर देते कोई आके। और ये जो होता है ना, ये बहुत ऑथेंटिक होता है, क्योंकि किसी को मुसीबत ही लग रहा होता है कि ये पूरा फॉर्म फिल करे। तो जब किसी ने फॉर्म फिल किया है, तो इसका मतलब है कि वो जो कन्वर्जन है ना, वो पक्की है। ठीक है ऑलराइट, ठीक है, अगर ठीक। अगर इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं करता ठीक है और यहाँ पे क्लिक कर देता है तो थैंक यू पेज आता ही नहीं है। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, वो आगे जा ही नहीं रहा। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन जी फिल करेगा सारी तब जाके वो थैंक यू पेज पे जाएगा, ये सबमिट हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, हम मेरे ओके कहने का मकसद है हम इस सेंड को भी ट्रैक कर सकते थे, पर सेंड पे तो कोई आके बार बार क्लिक करेगा वो कन्वर्जन शो होती जाएगी हमारे पास। मतलब पूरी बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं भी लिखेगा ना तब भी वो सेंड पे क्लिक करेगा हमारे पास कन्वर्जन शो हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो आके पूरी इन्फॉर्मेशन लिखेगा और तब जाके वो थैंक यू पेज पे जाएगा, तो हम थैंक यू पेज को ही ट्रैक करेंगे कि जो थैंक यू पेज पे आता है तो हमारे पास एक कन्वर्जन ट्रैक हो जाए। इमरान भाई, इसको ऐसे ही सेंड ओके okay. कीजिएगा। ये फोन नंबर में यही लिखा रहा है मैंने, होता है नहीं नहीं होता, नहीं होगा। नहीं हो, नहीं हो रहा। ये देखो हाँ ठीक है, थैंक यू पेज पे नहीं जा रहा। अच्छा ये हमने कॉपी कर लिया, हम ट्रिगर में आए हुए थे। इसका नेम, मैं इसका नेम कोई भी रख सकते हो आप अपनी मर्जी से, जो आपको याद रह जाए कि मैंने ये ट्रिगर बनाया था। अच्छा अब ओके ये भाई यहाँ पे थोड़ा सा मसला होता है यहाँ पे। ठीक है, कल हमने था क्लिक जो लिंक, क्लिक यूआरएल था, क्लिक यूआरएल था या एक फॉर्म यूआरएल था। अच्छा यहाँ पे है पेज यूआरएल या पेज पाथ। ठीक है, तो उस वजह से हम यहाँ पे हमने पेज चेंज कर किया है, मतलब नेक्स्ट पेज पे आए हैं तो हमें कन्वर्जन शो, समझ आई थी ना आपको। यहाँ पे हम सेंड पे क्लिक किया था तो एक और पेज आ गया था हमारे सामने थैंक यू पेज, तो हमने उसको ट्रैक करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यही है कि हम यहाँ पे पेज व्यू पे जाएंगे। पहले था क्लिक लिंक्स या क्लिक पेज या फॉर्म पेज, सॉरी फॉर्म यूआरएल या क्लिक यूआरएल, अब यहाँ पे है पेज यूआरएल या पेज पाथ, तो यहाँ पे हम पेज व्यू पे जाएंगे। बस यही उस पर थोड़ी सम इसमें चेंजिंग है। यहाँ पे सम पेजेस पे क्लिक करेंगे, हमने कौन सा वो किया था कॉपी, पेज यूआरएल, पेज पेज यूआरएल। यूआरएल पे जाएंगे। ये पेज यूआरएल आ गया, ठीक है, यहाँ पे वो पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे, ये बन गया हमारे पास। और यहाँ से हम टैग्स में जाएंगे, टैग्स में जाने के बाद न्यू टैग बनाएंगे। यहाँ पे आप लिख लो भाई आपने ट्रिगर नहीं बनाया अभी तक। अभी ट्रिगर तो बना के आए हैं, ये हमने ट्रिगर नहीं बनाया अभी, ये हमने ट्रिगर ही तो बनाया, ये वाला, ये जो ये वाला, हाँ ठीक है जी जी ठीक है। ठीक है, ये हमने ट्रिगर बनाया। ट्रिगर बनाने के बाद हम टैग्स में आएंगे। अब हम टैग्स बनाते हैं। यहाँ पे हम सेम वही प्रोसीजर जो पहले वाला, गूगल एड्स में जाएंगे कन्वर्जन ट्रैकिंग। ठीक है, अच्छा इसमें वो हम वहाँ से कनेक्ट करते हैं ये दो चीज़ें ऐड करके, नीचे हम ट्रिगर ऐड कर देंगे। ट्रिगर कौन सा बनाया था हमने, चलिए बताओ। थैंक यू पेज, ये थर्ड लास्ट है, थर्ड हाँ वाला। ये वाला बनाया था हमने, इसको हम कनेक्ट कर देंगे इसके साथ। ठीक है, और इसमें हम वो वाली वहाँ से हम इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। ये हम यहाँ से हम गो टूल्स एंड सेटिंग में, वायरमेंट में जाएंगे, कन्वर्जन में जाएंगे। कन्वर्जन में जाने के बाद यहाँ पे न्यू कन्वर्जन, यहाँ पे वेबसाइट, वेबसाइट की डोमेन इंटर करेंगे। ठीक है, स्कैन ऐड कन्वर्जन मैनुअली, यहाँ पे नेम उसको देंगे, हमने नेम दे देना है सबमिट लीड फॉर्म का। ठीक है, यहाँ पे नेम लिख देना है लीड फॉर्म सबमिट।
यहाँ पे वैल्यू आप देना चाहो दे सकती हो, नहीं तो डोंट वैल्यू पे। अब लीड फॉर्म हमारे पास सिंगल एक, अगर कोई बार बार अगर फिल करता है तो हमारे पास एक ही शो हो, मतलब सेम इन्फॉर्मेशन अगर बार बार देता है तो हमारे पास एक ही कन्वर्जन शो हो, ठीक है। और यहाँ से अच्छा, यहाँ इमरान भाई सपोज एक ही बंदे ने दो बार फॉर्म की फिल किया है बट डिफरेंट इंफॉर्मेशन के साथ फिल किया है। एक ही आईडी से करेगा तो नहीं होगा, एक कन्वर्जन शो होगी। अच्छा ठीक है। यहाँ से डन कर लेंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे, और यहाँ पे यूज़ टैग मैनेजर, हमने टैग मैनेजर यूज़ करे, कन्वर्जन आईडी यहाँ पे आ गई, लेबल लेंगे, ये लेबल है कन्वर्जन लेबल, यहाँ से इसको करके इसको सेव कर दें, ठीक है। हमारे पास आ गया, टैग भी बन गया, ट्रिगर भी बन गया, ठीक है। अब हम फिर प्रीव्यू मोड में जाते हैं कि टैग जो हमने बनाया ये टैग फायर होता है या नहीं होता। ये यहाँ पे आ गया। अब मुझे अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन कोई भी बता दो, अपनी कोई नेम, अपनी इंफॉर्मेशन दे दो। दिलावर बताओ। यूजिंग dk@gmail.com, यू यूजिंग dk@gmail.com, यूजिंग आगे dk@gmail.com, dk@gmail.com। कॉन्टैक्ट नंबर 03 12 3 4 5 6 7 8 9। वाह सही सही बताया ही, गलत नंबर और ईमेल गलत है। होता है। अच्छा कोई बात। अच्छा ये हमने इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी, अब जाते हैं हम थैंक यू पेज पे, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो हमने लीड फॉर्म फिल किया ये टैग हुआ या नहीं हुआ, हमने कौन सा बनाया था इसमें से देखो। थैंक यू, थैंक यू पेज टैक्स। ये वाला बना था और ये वन टाइम फायर हो गया है, इसका मतलब है हमने जो बनाई कन्वर्जन टैग है वो ठीक है, गुड है, ठीक है। यहाँ पे जब आप चेक करते हो ना, तो अगर तो ये टैग फायर नहीं होता इसमें से, जहाँ पे जो भी आपने जिस नेम से बनाया है वो टैग फायर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपने गलती की है कोई, मतलब ठीक नहीं बना आपका टैग, ठीक है। इसलिए इस यहाँ पे लाजमी चेक किया करो। अब हम दूसरी बार जाके चेक करते हैं कि दूसरी बार वो होता है या नहीं होता। ये देखो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ, ये आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी। अच्छा अब हम इसको सबमिट कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब ये देखो ये टू टाइम हो गया, ठीक है, ये टू टाइम हो गया, मतलब हमने दो बार लीड फॉर्म सबमिट कर दिए। इस तरह से तीसरी बार भी करेंगे या थ्री टाइम हो जाएगा। अच्छा इमरान भाई, इसमें एक क्वेश्चन है कि जैसे ये लीड फॉर्म सबमिट होता है तो कुछ वेबसाइट्स पे ऐसा भी होता है कि यहाँ पे थैंक यू पेज आता है और उसी दौरान मतलब उसी सेकंड जो है ईमेल भी रिसीव हो जाती है, तो वो भी क्या हम ही सेट करते हैं या वो डेवलपर सेट करता है? नहीं, वो डेवलपर सेट करता है, हम कहाँ से सेट कर सकते हैं, ओके okay. वो तो उनका पहले से प्रोसीजर ऐड हुआ होता है ना, किसी का चैट बोट ओपन हो जाता है, किसी का कुछ ओपन हो जाते हैं, तो हर किसी के अपने अपने दिए होते हैं। अब बताओ कोई चीज़ समझ ना आई हो तो। मेरे सर मीटिंग लेट ज्वाइन की थी, आप कोई कवर भी दे सकते हैं शुरू से, क्या हुआ था, कैसे किया था? साकिब भाई, साकिब भैया देखो हम कन्वर्जेंट कल कल का परसों के लेक्चर देखा था, जी, अच्छा उसमें सारी चीज़ें सेम होती हैं। हम यहाँ सबसे पहले ना हम वेरिएबल में जाते हैं, वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेरे सारे सिलेक्टेड है, आपने सिलेक्ट करना है तो यहाँ से मतलब जा, सारे हाँ सारे सारे टिक करेंगे। हाँ 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 सही सारे है। टिक कर लो। सारे टिक करने के बाद हम प्रीव्यू में जाते हैं, ठीक है। इसमें जाके हमने जिस पे ट्रैकिंग कर लगानी होती है ना, पहले ये डोमेन इंटर करेंगे, सही है। जिस पे ट्रैकिंग लगानी होती है ना, हम एज ए यूज़र जाके उसको चेक करते हैं पहले कि ये बिहेवियर हमें क्या इधर दे रही है, किस पे ट्रिगर कर रहा है। अब हमने लीड फॉर्म चेक करना है तो एज ए यूज़र मैं देखूंगा, मैं जाके अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करता हूँ, ठीक है,
तो ये लीड फॉर्म मैं सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सबमिट करने के बाद ये पेज आ जाता है मेरे पास। तो मैं यहाँ सही पे है। देखता हूँ कि ये यहाँ पे किस वेरिएबल पे ये ट्रिगर हो रहा है, जिससे मैं ट्रैक करूँ। जैसे हमने उस कॉल बटन उसको देखा था। अच्छा, यहाँ पे ये आ रहा है, ये फिर भूल गए थे, हमने वहाँ से चेक नहीं किया था, अभी चेक कर लेते। अब यहाँ पे हम एक एक तो यहाँ पे थैंक यू पेज का आ रहा है वैल्यू इस वेरिएबल के साथ, ठीक है। और एक आ रही है यहाँ पे ये इसके साथ, पेज यूआरएल के साथ और पेज पाथ के साथ, ठीक है। अब यहाँ हम इन तीनों में से किसी को भी ट्रैक कर सकते हैं, तीनों में से इसको भी कर सकते हैं। पर इसका जो वेरिएबल है ना, वो हम जब ट्रिगर में जाते हैं ना, तो ये वेरिएबल शो नहीं कराता, ये वाला। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही क्यों नहीं कराता शो, या पता नहीं ये यहाँ से कोई गलती है या क्या है। तो हम इन दोनों में से कोई भी एक उठा लेते हैं, कोई भी एक। पहले हम इसके साथ गए थे, अब इसके साथ जाते हैं, ठीक है। ये याद रखना पेज यूआरएल है, या पेज पाथ, सॉरी पेज पाथ है। अब पेज सही है। पाथ को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। अब हम जाते हैं ट्रिगर्स में, ट्रिगर में जाके न्यू ट्रिगर ऐड करते हैं, यहाँ से नेम लिख लेते हैं लीड फॉर्म पेज, पेज यूआरएल था, जी, पेज पाथ था। पेज पाथ, पेज यहाँ से हम। अच्छा, ये पेज पेज पाथ है, मतलब पेज यूआरएल है। पहले हमने जब वो चेक किया था ना, जो कॉल बटन और व्हाट्सएप बटन का था, वो होता था क्लिक यूआरएल या क्लिक पाथ, सॉरी क्लिक यूआरएल या फॉर्म क्लिक फॉर्म यूआरएल, सॉरी वो फॉर्म यूआरएल या क्लिक यूआरएल होता था। ये है पेज यूआरएल, मतलब हम पेज पाथ पेज चेंज करते हैं, दूसरे पेज पे आ जाते हैं। तो इस पे हम पेज व्यू सिलेक्ट करेंगे कि हम पेज चेंज करें, तब जो नेक्स्ट पेज आए ना, उस पे हमारा कन्वर्जन हमें शो कराए। तो उस पेज पे हम आते हैं, तो वो कहते हैं ऑल पेजेस पे, नहीं हम कहते हैं नहीं सम पेजेस पे, किसी एक पेज पे आए। तो उसका हम यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेंगे कौन सा था, पेज पाथ था, पेज पाथ हमने यहाँ पे कॉपी किया था, यहाँ पेस्ट कर देंगे, यहाँ से सेव कर लेंगे। ये हमारा ट्रिगर बन गया। अब हम टैग बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से न्यू टैग पे जाएंगे, नेम दे दो आप। ये जो नेम होगा ना, ये फायर्ड वाली जगह पे शो होता है, सही है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये अटैच करने के लिए गूगल कन्वर्जन ट्रैकिंग के साथ, गूगल अकाउंट के साथ, यहाँ पे ट्रिगर, ठीक है। हमने कौन सा बनाया था, पेज व्यू, ये वाला था हाँ लीड नेम, फॉर्म, सही है, सही ये वाला लीड फ्रॉम पेज पाथ, इसको हम सिलेक्ट कर है। देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें हमने ऐड करनी है, पहले से हमने इधर से बनाया हुआ था, तो यही मैं इसी के साथ ही वो कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से सेव कर लेंगे इमरान भाई, ये बनाने का क्या प्रोसेस होगा ये जब वाला, ये आपने चीज़ें पुट की हैं? जी ये ये वाला। अच्छा, ये बता देता हूँ, ये भी मैं बताता हूँ। अच्छा, ये हमारा बन गया, ये यहाँ से मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये हमारे टैग और ट्रिगर्स बन गए, ठीक है, अटैच भी हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं कि जो हमने टैग और ट्रिगर्स बनाए हैं, क्या ये फायर होता है, क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसका तरीका क्या है, यहाँ पे प्रीव्यू में जाओ आप, ठीक है। प्रीव्यू में जाने के बाद वो सेम वही प्रोसीजर दोबारा करो आप, फॉर्म फिल करो। फॉर्म फिल करने के बाद वो नेक्स्ट पेज पे आता है, तो इधर से टैग फायर होता है या नहीं होता, तो वो आप चेक करो। ये आगे वेबसाइट, ठीक है, कनेक्ट भी हो गई। यहाँ से मैं चीज़ें इंटर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फ़ोन नंबर इंटर हो गया, यहाँ पे कुछ भी लिख लो। अच्छा, अब यहाँ पे मैं सेंड, ये थैंक यू पेज आ गया मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे पास टैग फायर हुआ नहीं हुआ, कौन सा किया था हमने, लीड फॉर्म ये वाला, ये वाला ठीक है। अब ये ओके वन टाइम फायर हो गया, ठीक। इसका मतलब ये ठीक काम कर रहा है, पहले हमने ये वाला बनाया था, ये भी काम कर रहा है साथ में। अच्छा, अब मैं दोबारा जाके इसको चेक करता हूँ कि दो तीन बार चेक किया करो, अगर आपको इससे चेक करते हैं ना, दो तीन बार आप उसको जाके चेक लाजमी करना है कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, अब ये दोबारा हो गया, अब मैं देखता हूँ दोबारा उसको टू टाइम हुआ नहीं हुआ। ये देखो, ये टू टाइम हो गया, ठीक है,
समझ आ गई। इमरान भाई एक सेम पेज पे मल्टीपल ट्रिगर्स भी लगा सकते हैं। हाँ मल्टीपल भी लगा सकते हैं, पर होता ऐसे है जैसे इस पेज पे लीड फॉर्म यहाँ पे है, एक लीड फॉर्म है सही। और एक लीड फॉर्म इन्होंने इधर दिया हुआ है और एक इन्होंने फॉर एग्जांपल इधर बॉटम में दिया हुआ है ये वाला। सही मेरे ख्याल में ये भी ट्रिगर हो जाएगा उसके साथ, चेक कर लेते हैं हम इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये जो सेम चीजें होती है ना, ये कल भी मैंने इनको बताया था कि कॉल टू एक्शन बटन सेम अगर दो तीन जगह पे आ जाते हैं तो वो आपके सारे ट्रिगर हो सकते हैं एक ही कन्वर्जन पे। मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख देता हूँ, इसको मैं सेंड करता हूँ। अगर तो ये थैंक यू पेज पे जाता है, नहीं जाता, नहीं जा रहा, ये नहीं जाता, ये नहीं ट्रिगर नहीं हो, जाता ये ट्रिगर नहीं होगा। ठीक है तो ये यहाँ देख, ये देखो नहीं हो रहा ट्रिगर। है। अच्छा इसमें एक बात और थी इमरान जी, जैसे आपने कहा कि हम उस पेज को ट्रैक कर रहे हैं, थैंक यू पेज को, अगर कोई उस पेज का लिंक कॉपी करके अपने पास खोलता है तो क्या वो जब भी ट्रिगर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं ओके होगा, नहीं होगा। पेज कॉपी करके खोलता है वो नहीं होगा, जब तक लीड फॉर्म सबमिट करके आगे नहीं जाएगा तब तक वो नहीं ट्रिगर करेगा। ओके okay। थैंक यू पेज का लिंक से कोई वो ताल्लुक नहीं है। अच्छा अब मैं इसकी, मैं आपको एक वो देता हूँ कि इसको हम किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं, कोशिश करते हैं हम, क्योंकि ये पेज चेंज नहीं करा, ये सबमिट उधर ही सबमिट हो जाता है। समझ आ गया आपको, मैंने इन्फॉर्मेशन दी और ये वहीं सबमिट हो जाएगा, हो गया। इसको हम देखते हैं किस तरह से करते हैं, अगर तो होता है। ये हम वेरिएबल में गए, वैसे ये लीड फॉर्म नीचे बना हुआ है, इतना नीचे कोई नहीं आके फिल करता, ऊपर लीड फॉर्म दिया हुआ है तो उधर ही फिल कर देते हैं लोग, सही नहीं दिया भैया। ये देखो ना, ये यूआरएल चेंज कर रहा है, ठीक है, ये यूआरएल भी चेंज नहीं कर रहा, ये वहीं का वहीं खड़ा रहता है, जस्ट यहाँ पे ये आ जाता है कि फॉर्म वाज सक्सेसफुली सब सक्सेसफुली सेंट सक्सेसफुली। अच्छा इसका हम देखते हैं कि इसको हम किस पे ट्रैक कर सकते हैं। ये सेम पेज ट्रैकिंग है, ये मेरा ख्याल है क्लिक पे जाएगी, ये क्लिक टेक्स्ट पे ये आ उस रहा है, पे ये सेंड बटन ट्रैकिंग क्यों नहीं होगी? देख क्लिक क्लिक पे टेक्स्ट जाएगी। पे जा रहा है, ठीक है, और है फॉर्म टेक्स्ट पे जा रहा है, ये दो पे आ रहा है, फॉर्म टेक्स्ट पे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे यानी कि टेक्स्ट पे ही जा रहा है ये। तो इसका वो कौन सा लगेगा टिकर, इसको हम चेक करते हैं, ये याद रखना क्लिक टेक्स्ट पे, ये ऑल एलिमेंट्स पे ऑल जाएगा आई एलिमेंट्स पे, गेस। ऑल एलिमेंट्स पे जाएगा, ऑल एलिमेंट्स में जाके फिर सम सम क्लिक्स पे सम, हम इसको ना ये ट्रिगर बनाते हैं इसका, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्म सक्सेसफुली फॉर्म अच्छा यहाँ पे हम इस पे ऑल एलिमेंट्स पे जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों, वो कहता है ऑल एक पेज के ऑल एलिमेंट्स पे जाके, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स में किस किस पे क्लिक करना है, ऑल क्लिक्स पे, ऑल क्लिक्स का मतलब है कि इस पेज के ऊपर, इस पे ये मतलब इस सारे एलिमेंट्स है इस पेज पे। अब इस पेज पे अगर हम तो यहाँ सेंड पे क्लिक करते हैं, ठीक है, या कहीं और पे क्लिक करते हैं, वो सारे क्लिक्स रिकॉर्ड कर लेगा, हम अगर आते हैं ना सम क्लिक्स पे तो वो जो जिस पे हम जाके क्लिक करेंगे वो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। अब यहाँ कौन सा हमने निकाला था, ये वाला क्लिक टेक्स्ट, यहाँ पे हम क्लिक टेक्स्ट पे जाते हैं, ये क्लिक टेक्स्ट था या जो हमने वो किया था, ये आ गया, इसको सेव कर लेंगे। ये क्यों नहीं आ रहा, सर्वर
अच्छा वर्डप्रेस के लिए वैसे तो अच्छा सॉरी, मेरा मैं नेट डिसकनेक्ट हो गया कोई मसला वैसे तो वो सर उस्मान वाली बात आ जाती है कि मैं पाकिस्तानी के साथ काम नहीं करता, बट नहीं। पाकिस्तानी में अगर तकरीबन 25 to 30 चार्ज करता हूँ वर्डप्रेस के। अच्छा ये हमने टिकर बनानी है, टिकर ये वाला बनाया, टिकर ये वाला फॉर्म सबमिट का। अब हम टैग पे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टैग बना लेते हैं कोई भी, न्यू सबमिट। यहाँ पे गूगल टैग में, कन्वर्जन ट्रैकिंग में। अच्छा इसको हम फिर उसी के साथ अटैच कर देते हैं सेम। ट्रिगर हमने कौन सा बनाया इसमें से, ये वाला बनाया था, इसको हम सेव कर लेते। सेव क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पे हम प्रीव्यू में जाते हैं, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा जी आ रही है। सॉरी, हाँ मेरा नेट मैसेज स्लो हो गया, यहाँ पे काम नहीं कर रहा। ये सेव ही नहीं हो रहा। एक बार पेज को रिफ्रेश करके करें। हम जाते हैं, ठीक है, शुक्रिया। अच्छा ये ओपन होगी, अब हम जाते हैं उधर जो हमने बनाया था, इसमें इंफॉर्मेशन लिखते हैं कोई भी। अच्छा सेंड कर देते हैं, ये सबमिट हो गया, ठीक है। अब इधर देखते हैं, इधर टैग फायर हुआ नहीं हुआ, कन्वर्जन लिखन। अच्छा ये फायर नहीं हुआ, या तो ये सेव नहीं हुआ। अच्छा नहीं हो रहा, ऑल पेज पे गए, ऑल एलिमेंट्स हो गए।
ये नहीं हो रहा यार, पता नहीं हमारा क्यों नहीं हो रहा। हाँ पिछला वाला फॉर्म चेक कर लो ना, पिछला जो हम लोगों ने बनाया वो, उसको फॉर्म पे चेक कर लो। वो ये वाले, इस पे ट्रैकिंग नहीं लिखी हुई, अच्छा इस पे नीचे वाले के ट्रैक ऊपर नहीं ट्रैक हुई है। नीचे नीचे वाले, नीचे वाले पे नहीं है, वो ऊपर वाले की ट्रैकिंग लगी हुई है, इसकी लगी हुई है, क्योंकि फॉर्म सबमिट इधर होता है ना। क्लिक ट्रैकिंग ऑल एलिमेंट्स, एक मिनट, तो ऑल क्लिक्स पे मेरे ख्याल में गया। ऑल क्लिक्स पे तो इंडियन हाँ वो सारे क्लिक्स करेगा। ये बेटर नहीं रहता, जो सेम पेज वाला जो है ना वो सही नहीं रहता, लिंक वाला जो नेक्स्ट पेज पे जाता है वो लिंकर सही रहता है। ये इस पे तो पहले मेरा ख्याल है हम लोग वो कर भी चुके हैं डिलीट। और ये बात आपने भी ध्यान में रखनी है कि मतलब अगर कोई किसी की वेबसाइट आपको ऐसी लगती है जिसके अंदर कोई फ्लॉज है, तो आपने उसको कहना है कि आप अपनी वेबसाइट जो है वो पहले परफेक्ट करें। जहाँ जहाँ आपको वेबसाइट के अंदर इश्यूज नजर आते हैं, तो वो वेबसाइट के इश्यूज आपने उनको क्लियर करने हैं कि यहाँ पे आपने चीजें जो है वो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस और अकॉर्डिंग टू द कैंपेन जो आपने चलानी है उसके अकॉर्डिंग करें, ताकि जिस तरीके से उस दिन सर ने समझाया था और बहुत क्लियर अच्छे तरीके से समझाया था कि आपके पास ये, क्योंकि वेबसाइट जो है वो आपका एक जो लैंडिंग पेज है मेन, वो ही ऐसा होना चाहिए अट्रैक्टिव। और अगर आप इस तरह से, और आपने अपनी भी ये देखनी है कि अगर आप क्रैक नहीं किसी चीज को कर पा रहे या उसके पीछे कोडिंग नहीं है या कोई भी उसके अंदर कोई मसला आ रहा है, तो आपने उसको बताना है कि ये